पे यशु को कलर इंट्रोड्यूस कर रही थी उस दिन, उसका सेकंड होली था और फर्स्ट होली में तो वो बहुत छोटा था तो वो नहीं खेल पाया था। इस बार उसको कलर इंट्रोड्यूस किया और कैसे होली खेलते उसको थोड़ा सिखा दिया, तो वो अच्छे से एंजॉय भी कर लिया था, बहुत अच्छे से किया था वो एंजॉय। फिर हम दोनों भी थोड़े सेलिब्रेट कर लिए थे यशु के साथ, होली सेलिब्रेट कर लिए थे घर में, वो और वो मेरे फेस में पूरा कलर ही लगा दिए थे बहुत सारे, मैंने भी फिर नहीं छोड़ी उनको, अच्छे से लगा दिया। फिर हमने फिर तीनों मिलके फोटो शूट किए थोड़ा बहुत फोन से, सेल्फी वगैरह लिए। और यशु तो कलर में ही बिजी था बहुत, मतलब उसको कलर इतना पसंद हो गया था उस दिन तो वो कलर के साथ ही वो खेलने जाता था, तो फोटो के लिए वो इंटरेस्टेड भी नहीं था, उसको ज़बरदस्ती दिखाते थे कि वो तो कुछ भी बोल के। अरे मुझे लगा दो, मुझे लगा दो, मुझे 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 लगा दो बेटा, मुझे लगा दो, इधर इधर लगा दो बेटा, इधर इधर लगा दो पापा, मुझे भी लगा दो, इधर मम्मा को इधर लगा दो, इधर लगा दो मम्मा, थैंक यू। फिर मैं यशु को लेके उधर से चल गई थी, यशु को बहुत प्यार करते हैं तो बहुत खेल लगा होली, तो इसीलिए चली गई थी मैं उसको लेके। फिर उसके बाद जो भी हमने फोटोग्राफी किया था, मतलब घर में फोटो खींचे थे, उसी का ही फोटो ये सब थोड़ा बहुत जैसे डाल दिया था मेमोरी के लिए।
यश को आप सब पहचान पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस दिन ऐसे ही खेल रहा था। मतलब वो प्लेट में जो भी कलर मैंने रखा था खेलने के लिए, वो सब सारे मिक्स करके अपनी बॉडी में पूरा लगा के फेस में लगा के पूरा खुद को रंग लिया। क्या कर रहा है बल्ली के रंग से? मतलब इतना उसको तुरंत ही नहलाने के लिए हम ले गए थे। ज़्यादा कलर भी स्किन में नहीं लगना चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसलिए बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। हम लोग उसको लेके गए थे खींच खींच के, चलो नहा लेते हैं। फिर पानी से वो पानी से नहा लेते बहुत खुश हो जाता है, चला गया था। ये हाई फाइव, हाई फाइव उसके पापा के साथ हूं। बोलो हाई फाइव को, ये हाई फाइव कलर का डायनास कर दिया था पूरा, सारे कलर मिक्स करके। रागिनी भाभी और रावी और भैया भी आ गए थे होली खेलने के लिए, और उनको इधर हमने बुला भी लिया था इधर एक नाइट रहने के लिए। हम लोग मस्ती करेंगे, खेलेंगे और एक साथ खाएंगे, मम्मी ने इसीलिए होली सेलिब्रेशन करने के लिए उनको बुलाए थे हमारे घर। वो लोग भी आ गए थे उसके साथ खेलने के लिए, रावी और यशु भी बहुत खुश हो गया था रावी को देख के, और हम लोग भी बहुत खुश हो गए थे। भैया और भाभी आए थे, पास पास में ही रहते थे पहले, अभी तो वो चले गए हैं दूर रहने के लिए, जॉब चेंज हो गया है उनका। उसके बाद फिर यशु को मैंने सलाह भी दिया था क्योंकि बहुत थक गया था खेल खेल के रावी से। फिर हम लोग खाना खा के फिर बैठ गए खेलने के लिए, हमारा फेवरेट गेम ऑलवेज। उस दिन तो विजय भैया हार ही रहे थे, हार ही रहे थे, और अचानक मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया था तो वो ही जीतने वाले थे उस टाइम, तो वो बहुत खुश हो गए कि वो जीत गए। फिर उसके बाद मैं जीत गई मेरा शायद ऐसे करके, फिर रागिनी भाभी जीत गई, फिर हार गए हमारे हस्बैंड। बहुत मजा आया उस दिन हमको। हस्बैंड तो हस्बैंड कभी नहीं हारते हैं, मतलब इस गेम में बहुत ज़्यादा वो विन करते हैं उन्होंने। उसी दिन वही हार गए तो बहुत हम लोगों ने मस्ती किया था, बहुत ही। फिर बहुत बातें भी की है, बहुत दिन के बाद मिले थे, ऐसे ही हमारा होली चला गया, कब पता भी नहीं चला। फिर नेक्स्ट डे भाभी भैया रावी सब चले भी गए थे उनके घर,
रावी चाची अभी पॉपकॉर्न बना दे के आप खाओगे ना? पॉपकॉर्न खाओगे? नो पॉप डोनट खाओगे? कुछ नहीं खाओगे? ये दोनों बोर कर रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा है इधर से, दोनों से कार्ड खत्म हो जाएगा लेकिन कोई नहीं जीतेगा इनमें से। अरे वाह भाभी जीत गई, भाभी हुवीन भैया हार गए, देखो हारने वाले कैसे बैठे हैं। कैमरे में थोड़ा डाउन पड़ गए, चलो क्या?